हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज के वीडियो में हम लोग माइक्रोबायोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं। लेक्चर नंबर 2 जिसका नाम है वाहिद मल की सूक्ष्म जैविकी, जिसे हम लोग कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी ऑफ सीवेज। सो गाइस, आज के वीडियो में भी मैं आप लोगों को नोट्स देने वाली हूँ जो कि वीडियो के लास्ट में आप लोगों को मिल जाएंगे। अगर आप माइक्रोबायोलॉजी के सारे टॉपिक लाइन से देखना चाहते हो तो लायन बैच के नाम से आप सर्च कर सकते हो, या फिर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के भी सारे वीडियो लाइन से देख सकते हो। इसके अलावा हमारा इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, इकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी और बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं बीएससी जूलॉजी के, सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ही मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है वाहिद जल की सूक्ष्म जैविकी। ठीक, तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका सिनॉप्सिस बता देती हूँ कि इसमें मैं आप लोगों को क्या क्या आज बताने वाली हूँ। तो अगेन ये जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग टाइम में पूछे जाते हैं। सो गाइस, मैं आप लोगों से अभी भी ये कहना चाहती हूँ कि लिखने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि देखो जूलॉजी थर्ड ईयर जूलॉजी में क्या है ना, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बहुत ज्यादा है और क्वेश्चन कम से कम 5-6-7 नंबर का ही मतलब लंबा चौड़ा आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा मार्क्स के आएंगे एक एक क्वेश्चन। तो आपको लिखने की प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी हो पाएगा, है ना। और जितना ज्यादा लिखोगे आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना है सिनॉप्सिस या फिर रूपरेखा। तो चलिए मैं बता देती हूँ क्या क्या हम लोग आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले को सीवेज के बारे में बताऊंगी कि आखिर वाहिद मल होता क्या है, सीवेज हम किसे कहते हैं, मतलब इसके पहले पॉइंट में हम लोग इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन वगैरह देख लेंगे। सेकेंड नंबर में वो सीवेज के केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, मतलब जो सीवेज होता है उसके कौन कौन से रासायनिक गुण हैं, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, वो सब चीज हम लोग देखेंगे, है ना। थर्ड नंबर में वो सीवेज के सूक्ष्म जीवों के बारे में देखेंगे, वही मतलब कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म सीवेज में पाया जाता है, सीवेज का निपटान और उपचार किस प्रकार से किया जाता है, मतलब उसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जाता है सीवेज का, वो हम लोग देखने वाले हैं। अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि इसका ट्रीटमेंट प्रोसेस कैसे होता है, मतलब इसको हम लोग ट्रीटमेंट प्रोसेस किस तरीके से करते हैं, कौन कौन से मेथड है, वो सब बताऊंगी। लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगी टेस्टिंग ऑफ वाटर, मतलब जो जल परीक्षण है वो किस तरीके से करते हैं। तो वेरी वेरी इजी और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए गाइस, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आखिर ये सीवेज क्या होता है, वाहिद मल क्या होता है। यहाँ पे मैं आप लोगों को पूरा इंट्रोडक्शन बता दूंगी और इसका डेफिनेशन बता दूंगी। तो चलिए एक बार डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। जन समुदाय के द्वारा घरेलू उपयोग में लिए गए जल प्रवाह को सीवेज कहते हैं, सीवेज वाटर कहते हैं। यहाँ पे देखिए आप डायग्राम देख सकते हो। तो देखिए सीवेज वाटर क्या होता है, जैसे कि आप लोग घर में जो भी पानी यूज करते हैं, जैसे घर में बर्तन मांजने के लिए जो भी पानी यूज हो रहा है, अब वो जो गंदा पानी है वो क्या होता है, हम लोग नाली के थ्रू से जो है वो छोड़ देते हैं, ठीक है। तो वो भी क्या कहलाता है, सीवेज कहलाता है। घर में जो शौचालय होता है तो कहीं ना कहीं शौचालय से भी क्या हो रहा है, गंदा पानी निकल रहा है। तो वो सारे जो गंदे पानी होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीवेज कहते हैं। तो एक बार मैं आप लोगों को और बता देती हूँ सीवेज के अंतर्गत कौन कौन से वाटर आते हैं। तो इसका डेफिनेशन आपको क्लियर हुआ, जल समुदाय के द्वारा मतलब किसी कम्युनिटी के द्वारा घरेलू उपयोग में लिए गए जल प्रवाह को सीवेज कहते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ इसमें कौन कौन से वाटर जो है वो सीवेज के अंतर्गत रखे गए हैं। तो देखिए सबसे पहला तो आता है घरेलू पानी। तो घरेलू पानी में कौन कौन सा आता है, जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जैसे कि हम कपड़ा धोते हैं तो कपड़े धोने के बाद जो गंदा पानी निकलता है वो भी क्या कहलाता है, सीवेज कहलाता है। मलमूत्र करने के बाद जो भी गंदा पानी निकलता है, शौचालय में जो भी पानी एकत्रित हो रहा है, वो सारे सीवेज के अंतर्गत आते हैं। और एग्जाम्पल से बर्तन वगैरह हम लोग धोते हैं, बर्तन वगैरह मांजते हैं, तो बर्तन वगैरह मांजने के बाद भी देखना गंदा पानी जो है वो बह के आता है, तो वो भी आपका सीवेज ही कहलाता है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो हम घर में जो पानी यूज करते हैं, जो वेस्ट वाटर होता है, जो प्रदूषित जल होता है, वही आपका क्या कहलाता है, सीवेज कहलाता है। सेकेंड नंबर में है औद्योगिक प्रतिष्ठानों में, जैसे कि कोई भी फैक्ट्री वगैरह हो गया, है ना। तो फैक्ट्री वगैरह से जो भी गंदा पानी निकल रहा है, औद्योगिक कारखानों से, फैक्ट्री से जो भी गंदा पानी निकल रहा है, वो भी सीवेज के अंतर्गत ही क्या होता है, आता है। या फिर व्यावसायिक उद्योगों या फिर व्यावसायिक एरिया से, जैसे कि कहने का मतलब है जैसे कोई भी ऑक्यूपेशनल एरिया है, एग्जाम्पल के लिए कोई दुकान वगैरह है, तो वहां से भी गंदा पानी निकल रहा है, तो वो भी इस सीवेज के अंतर्गत ही आता है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ऐसा जल जो कि प्रदूषित हो चुका है, जो कि जन समुदाय के द्वारा यूज करने के बाद जो भी गंदा पानी है वो पूरा आपका सीवेज कहलाता है। और ये जो गंदा पानी होता है, प्रदूषित जल होता है, उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। जी हाँ, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो काफी ज्यादा कम होता है। और अगर ऐसे सीवेज वाटर को अगर हम किसी नदी नाले में फेंक देते हैं, नदी नाले में जो है वो प्रवाहित कर देते हैं, तो उसमें जो भी मछलियां हैं वो क्या होती है, मरने लग जाती है। क्योंकि मछलियों को जो भी जल में रहने वाले जीव जंतु हैं उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। लेकिन जो सीवेज वाटर होता है, जो प्रदूषित जल होता है, वाहिद मल होता है, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है। क्यों होती है ऑक्सीजन की कमी, क्योंकि
उसमें जो है वो काफी ज्यादा प्रदूषण होता है, बहुत सारे विषैले पदार्थ होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि जल की गुणवत्ता को क्या कर देते हैं, पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। इस वजह से ऑक्सीजन की कमी होने के कारण सीवेज वाटर में रहने वाले जो भी जीव जंतु होते हैं वो क्या होते हैं, मर जाते हैं या फिर खत्म हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि सीवेज में केवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत सारे ऐसे विषैले माइक्रो ऑर्गेनिज्म सीवेज में मौजूद होते हैं। आगे मैं आप लोगों को उसका नाम वगैरह बता दूंगी। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, मनुष्य और अन्य जीव जंतु के सेहत के लिए क्या होते हैं, काफी ज्यादा हानिकारक होते हैं। टाइफाइड की बीमारी, ज्वर और हैजा, कॉलरा, ये सब चीज जो है वो आपके सीवेज वाटर के द्वारा ही जो है वो फैलते हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति गंदा पानी ग्रहण कर लिया तो उससे भी क्या हो जाता है, उसको टाइफाइड या फिर किडनी के डिसीज जो है वो हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो सीवेज को हम वेस्ट वाटर भी बोल सकते हैं जो कि मनुष्य के लिए जो है वो हानिकारक होता है। तो क्लियर हो गया आपको सीवेज वाटर क्या कहलाता है। अब देखो शहरों की गांव में तो सीवेज वाटर का निपटान हो ही जाता है ना, खेत वगैरह में बहा दिया जाता है, लेकिन खासकर जो सिटी वाला एरिया है वहां से बहुत ही ज्यादा ये सीवेज वाटर जो है वो निकलता है। और नगर पालिका के द्वारा क्या किया जाता है, इस सीवेज वाटर का शुद्धिकरण किया जाता है, क्योंकि ये जो गंदा पानी है उसको हम लोग ऐसे ही नदियों में भी नहीं बहा सकते, क्योंकि अगर नदी वगैरह में हम बहा दिए बहुत ज्यादा इसमें विषैले पदार्थ होते हैं, तो नदी में जो भी जीव जंतु है या फिर जो नदी का पानी पी रहे हैं उनके लिए स्वास्थ्य के लिए जो है वो ये काफी ज्यादा हानिकारक हो सकते हैं। तो आखिर इसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जाए, इसका निपटारण किस प्रकार से किया जाए, इसको किस प्रकार से इसका शोधन किया जाए, वो ही आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया इसकी वाहित मल क्या कहलाता है। तो वाहित मल वह जल होता है जो कि जन समुदाय के द्वारा घरेलू उपयोग में लिए गए जल प्रवाह को क्या कहते हैं, सीवेज वाटर कहते हैं। आपके घर के बाहर देखना नाली होगा, तो नाली में देखना गंदा पानी जो रहता है ना वो भी क्या कहलाता है, सीवेज ही कहलाता है, क्योंकि नाली का पानी कहाँ से आ रहा है, लोगों के द्वारा यूज किया हुआ वेस्ट वाटर ही तो नाली में क्या हो रहा है, बह रहा है। तो नाली का जो गंदा पानी होता है वो भी क्या कहलाता है, सीवेज ही कहलाता है। क्लियर हुआ। अब अगर हम देखते हैं गाइस कि सीवेज में कौन कौन से रासायनिक गुण होते हैं, सीवेज के कौन कौन से केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, तो देखिए जो भी हमारा वेस्ट वाटर है उसमें मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि 99.9% क्या होता है, वाटर होता है। और ये जितने भी पॉइंट है ना वो आपको क्या करना है, नोट करते जाना है ना। 99.9% वाटर होता है। हम देखते हैं कि जो वेस्ट वाटर उसमें ज्यादातर पानी ही होता है, लेकिन जो 0.03% होता है वो क्या होता है, निलंबित ठोस होते हैं, मतलब जो सॉलिड मटेरियल होते हैं ना वो होते हैं। डायरेक्ट मैं इसको सॉलिड मटेरियल लिख देती हूँ, है ना, सॉलिड मटेरियल मतलब जो भी ठोस पदार्थ होते हैं वो कितने होते हैं, 0.03% क्या होते हैं, सॉलिड मटेरियल होते हैं। सेकंड नंबर में हम देखते हैं कि सॉलिड मटेरियल आखिर होता क्या है, तो सॉलिड मटेरियल के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, जो भी फैट है या फिर फैट के अलावा और भी जैसे कि सेल्यूलोज प्रोटीन ये सारे जो है वो क्या आते हैं, ठोस पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। मतलब वेस्ट वाटर में ये सारे चीज भी क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। खैर मैंने नोट्स में पूरा लिखा हुआ है, वहां पे भी जाके देख सकते हो, है ना। तो अगर आप इसके रासायनिक गुण लिख रहे हो तो पॉइंट वाइज लिखना कि जो सीवेज वाटर है उसमें क्या क्या पाया जाता है, ठीक, ये हुआ। अब अगला यहाँ पे देखो, जो सीवेज वाटर होता है उसमें क्या पाया जाता है, डिटर्जेंट। एक मिनट, सीवेज वाटर में क्या पाया जाता है, डिटर्जेंट भी। अब थर्ड नंबर में देखो गाइस, सीवेज वाटर में क्या पाया जाता है, डिटर्जेंट भी पाया जाता है। अब ये डिटर्जेंट कहां से आता है, देखो घरों में हम लोग जो कपड़ा वगैरह धोते हैं, बर्तन वगैरह मांजते हैं, तो उसमें से जो गंदा पानी है उसमें डिटर्जेंट भी होता है। तो कहने का मतलब है कि जो वेस्ट वाटर होता है उसमें क्या, डिटर्जेंट भी होता है ना। अगला देखो, कीटनाशी। अब ये कीटनाशी कहाँ से आया, देखना जो किसान लोग होते हैं वो अपने फसल में क्या करते हैं, रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं, कीटनाशी वगैरह डालते हैं ना, उर्वरक वगैरह क्या क्या, तो वो जितने भी है वो पानी में, जब पानी गिरता है तो उस वक्त क्या, वो बह के गंदे पानी के रूप में जो है वो नदी वगैरह में मिल जाता है। तो सीवेज वगैरह में ये जो है वो कीटनाशी वगैरह भी क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। काफी सारे एंटीबायोटिक्स भी इसमें क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। तो ये सारे हैं गाइस। अगला देखो, इसमें काफी ज्यादा खतरनाक वायरस, बैक्टीरिया, हानिकारक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा विषैले हैं, वो सारे सीवेज वाटर में हो सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे बैक्टीरिया और वायरस होते हैं जो कि क्या पैदा करते हैं, ये जो सीवेज वाटर है वो हैजा, डिसेंट्री, डायरिया, ये जितने भी टाइफाइड, ये सारे रोग क्या करते हैं, ये जो वेस्ट वाटर है वो
पैदा करते हैं, मतलब इसमें ऐसे रासायनिक, ऐसे विषैले विषैले रासायनिक गुण होते हैं, ऐसे विषैले रासायनिक पदार्थ होते हैं, अगर कोई जीव जंतु ग्रहण कर लिया, अगर कोई मनुष्य इस वाटर को ग्रहण कर लिया तो उसमें क्या होता है, ये विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं, क्योंकि उसमें विभिन्न प्रकार के हानिकारक बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सारे क्या होते हैं, सीवेज वाटर में मौजूद होते हैं। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हुआ। अब देखो, अगर किसी सीवेज वाटर को हम लोग नदी वगैरह में छोड़ देते हैं, ठीक, तो अगर सीवेज वाटर को नदी वगैरह में छोड़ देते हैं तो देखना कई बार वो नदी का पानी क्या हो जाता है, उसका स्वाद ही चेंज हो जाता है, या फिर नदी से पानी से दुर्गंध आना चालू हो जाता है। तो अगर आप कुछ किसी ऐसे जगह का पानी पी रहे हो जहां का टेस्ट चेंज हो गया, देखना कई बार पानी जो होता है बहुत ज्यादा कड़वा या फिर एकदम गंदा स्मेल आता है, तो कहीं ना कहीं ये आप जान लीजिए कि उसमें हो सकता है कि सीवेज वाटर मिला हो। हालांकि अगर आप बोर का भी पानी पी रहे हो तो जो जमीन से भी पानी निकल रहा है, लेकिन देखना कहीं जो टॉयलेट वगैरह होता है उसका जो सीवेज सिस्टम होता है, देखना जमीन के अंदर भी उन लोग क्या कर देते हैं, रखे रहते हैं ना, तो जो भी गंदा पानी है वो जमीन के अंदर कलेक्ट होता रहता है। तो कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि गंदा पानी ही बोर के माध्यम से आने लगे। तो जहां का भी पानी आप पीते हो तो कोशिश करना कि उसका टेस्ट कैसा आ रहा है, उसका स्मेल कैसा आ रहा है, वो सब चीज आपको ध्यान देना है। अगर कभी भी ऐसा होता है कि पानी का स्वाद चेंज हो गया है तो तुरंत आपको इसकी जो शिकायत है वो नगर पालिका में करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि उन लोग आकर के जो भी उसका टेक्सचर वगैरह है, उसमें जो भी केमिकल रासायनिक उसके उन लोग जांच कर सकते हैं, उसे पता चल सकता है कि जो पानी है वो कैसा है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है कि नहीं है। तो ये सारे जो है वो रासायनिक गुण के अंतर्गत आते हैं। कभी कभी क्या होता है, सीवेज वाटर अगर किसी झरना नदी में मिल गया तो वो क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। अगर जो सीवेज वाटर है अगर वो नदी नाले में छोड़ देते हैं वो, तो पूरे नदी नाले को क्या कर देते हैं, वो प्रदूषित कर देते हैं। तो ये सारे क्या लिखोगे, कहीं से आप रासायनिक गुण के अंतर्गत आपको क्या करना है, लिखना है। अब चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज, तो आप लोग जान लिए कि ये सारे चीज जो है वो किसी सीवेज में पाए जा सकते हैं, है ना। अब हम लोग स्पेशली के वायरस बैक्टीरिया के बारे में देखेंगे, क्योंकि हम लोग माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो जो सीवेज है उसमें कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। अब चलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज देखने के बाद हम लोग ये देख लेते हैं कि जो सीवेज वाटर होता है उसमें कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। तो बता दूं आपको कि जो वेस्ट वाटर होता है उसमें कई प्रकार के हानिकारक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जो कि सेहत के लिए काफी ज्यादा हानिकारक होता है, उससे कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। देखिए यहाँ पे फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी, वायरस, बैक्टीरिया इत्यादि पाए जाते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे कि हैजा, डायरिया, टाइफाइड फीवर, पोलियो वायरस, ये सारे जो है वो बीमारियां हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने कुछ कुछ बैक्टीरिया वायरस के नाम वगैरह भी लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे पोलियोमाइलाइटिस, ये वाले भी पाए जाते हैं, आपकी पोलियोमाइलाइटिस, हेपेटाइटिस वायरस भी पाया जाता है। जो वेस्ट वाटर, जो सीवेज वाटर होता है उसमें स्ट्रेप्टोकोकाई, कोलिफॉर्म, मिथेनोकोकस, स्यूडोमोनास, ये सारे बैक्टीरिया वायरस फंगी जितने हैं वो सभी उस सीवेज वाटर में क्या होते हैं, पाए जाते हैं, जो कि मनुष्य के लिए साथ साथ अन्य जीवों के शरीर के लिए भी काफी ज्यादा क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे आप लोग लिख लेना, क्योंकि मैं नोट्स में इसका नाम नहीं लिख पाई हूँ, है ना, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर आप बुक से भी देख सकते हो। तो अगर आप सीवेज लिख रहे हो तो बैक्टीरिया वगैरह का नाम भी थोड़ा सा याद कर लेना, है ना, कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारा गंदा पानी है, जो सीवेज वाटर है, उसमें पाया जाता है। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर जो सीवेज है उसका डिस्पोजल और ट्रीटमेंट क्यों जारी है। डिस्पोजल मतलब क्या होता है, जैसे कि जो गंदा पानी निकल रहा है उसको किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट किया जाए, किस तरीके से उसको क्लीन किया जाए और किस तरीके से उसको जो है वो डिस्पोज किया जाए, मतलब किस तरीके से उसको कहाँ बहाया जाए, उसका निपटारण कैसे किया जाए, वो सब चीज आखिर क्यों जरूरी होता है। तो सबसे पहला बात तो ये है कि जो सीवेज वाटर होता है उसमें क्या होता है, O2 की कमी होती है, ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होती है। और अगर ऐसे सीवेज गंदे पानी को अगर हम लोग डायरेक्ट किसी नदी में बहा देते हैं तो क्या होगा, उस नदी में जो सीवेज वाटर है वो मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने के बाद कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी होगी, जिस वजह से जो मछलियां हैं वो क्या होगी, मरने लगेंगी, या फिर जो भी जीव जंतु है वो क्या होने लगेंगे, एक्सपायर होने लगेंगे। और अगर ऐसे गंदे पानी को अगर आप नदी में मिलाते हो तो उस नदी में जो मछलियां हैं उसको कोई खा पी भी नहीं सकता। जैसे कई लोग देखना मछली वगैरह खाते हैं, तो अगर कोई मछली जो उस वेस्ट वाटर में है और उस मछली को कोई दूसरा इंसान खाता है तो उसको भी क्या होता है, कोई भी बीमारी होने का चांसेस हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि इसका जो है वो ट्रीटमेंट करना, इसका जो है वो डिस्पोजल सही तरीके से करना बहुत जरूरी है, वरना ये स्वास्थ्य के लिए भी क्या होता है, हानिकारक होता है। मेन चीज ये हम देखते हैं गाइस कि पीने के पानी की कमी
पीने के पानी की कमी। अब देखिए हर जगह तो बोर की सुविधा नहीं हो सकती, हर कोई तो बोर का पानी यूज नहीं कर सकता है, तो क्या होता है देखना, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो नल होता है ना, वहां से लोगों को जो है वो पानी सप्लाई किया जाता है। तो नल का पानी कहाँ से आता है, नदी वगैरह से ही आता है, नदी तालाब वगैरह झील वगैरह से ही आता है। और अगर किसी ऐसे नदी में ऐसे सीवेज पानी को अगर हम लोग मिक्स कर देते हैं तो फिर वो पीने लायक नहीं हो जाता है, तो फिर उससे क्या पीने के पानी की संकट जो समस्या है वो उत्पन्न हो जाती है। तो पीने के पानी की समस्या जो है वो इस सीवेज वाटर के कारण, जो वेस्ट वाटर है उसके कारण क्या होता है, उत्पन्न होता है। थर्ड नंबर है कि बीमारी। अब देखना किसी कम्युनिटी में कभी कभी अचानक से डायरिया फैलता है ना कभी कभी एकदम, जैसे किसी गांव है अगर उसमें डायरिया फैल गया तो सबको क्या हो जाता है, डायरिया हो जाता है। किसी सिटी में किसी वार्ड में किसी को डायरिया है तो सबको डायरिया हो जाता है। ऐसा कौन सी सिचुएशन में होता है कि अगर जो पानी उनको सप्लाई किया जा रहा है अगर वो गंदा पानी उन लोग पी रहे हैं तो फिर उससे क्या होगा, उनको जो भी हैजा है, टाइफाइड है, डिसेंट्री है, वो सब क्या होता है, इस सीवेज वाटर के कारण ही होता है। इसलिए इसका ट्रीटमेंट और इसका सही तरीके से डिस्पोजल करना काफी ज्यादा जरूरी होता है। क्लियर होगा इस आपको यहां तक। अब यहाँ पे देखें पर्यावरण प्रदूषण। इससे कैसे पर्यावरण प्रदूषण होगा हमारा, जैसे कि सबसे पहले तो जल प्रदूषण ही होगा। जैसे मान लो कोई नदी और तालाब वगैरह अगर हम उसमें गंदे पानी को मिला देते हैं तो वो जो जगह है अगर मान लो उसको अगर हम पर्यटक स्थल के रूप में बनाना चाहे तो फिर वो नहीं बन सकता है। अगर कोई बच्चे बुजुर्ग उसमें तैरना चाहे, उसमें खेलना चाहे तो भी वो नहीं हो सकता है। मतलब कोई भी ऐसे मनोरंजन के कार्य है जो कि हम संपादित वहां पर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हम नदी वगैरह है उसमें क्या मिला दिए हैं, सीवेज वाटर मिला दिए हैं। तो इस वजह से भी उसका निपटारण करना जो है वो काफी ज्यादा जरूरी है। क्लियर हुआ? तो ये सारी चीजें हैं गाइस जिसकी वजह से हमको जो सीवेज वाटर होता है उसको सही तरीके से निपटारण करना जरूरी है, सही तरीके से उसका ट्रीटमेंट करना जरूरी है। आगे मैं आप लोगों को ऐसे बहुत सारे प्रोसेस बताने वाली हूँ जिसके द्वारा जो गंदा पानी है उसको हम लोग क्लीन कर सकते हैं, और क्लीन करने के बाद, काफी हद तक क्लीन करने के बाद उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं। तो चलिए वो मैं ट्रीटमेंट प्रोसेस का जो भी मेथड है वो मैं आप लोगों को बता दे। अब फाइनली हम लोग स्टार्ट करते हैं सीवेज का ट्रीटमेंट प्रोसेस। तो ट्रीटमेंट प्रोसेस में सबसे पहला आता है सेसपुल। तो क्या होता है सेसपुल, तो देखो अगर आप से ये जो लिख रहे हो ना तो फिर डायग्राम बनाना पड़ेगा इसे आपको, है ना। तो कहीं ना कहीं आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैंने नोट्स में डायग्राम नहीं बनाया है। अगर सेसपुल का प्रोसेस आप लिख रहे हो, बता रही हूँ आपको क्या होता है सेसपुल, तो ये डायग्राम आपको अपने कॉपी में बनाना पड़ेगा। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिए आपको आप लोग। तो देखिए क्या होता है सेसपुल, क्या होता है, जैसे कि देखना आपके घरों में जो भी टॉयलेट वगैरह होगा, तो कई अधिकतर ऐसा गांव वगैरह में भी होता है लेकिन आजकल बड़े बड़े जगह में भी ऐसा किया जाता है। तो देखना जो घर में आपको जो भी टॉयलेट वगैरह होगा उसमें देखना जो भी मल मूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, जमीन के अंदर जो है वो चले जाते हैं। देखना जब घर वगैरह बनवाते हैं ना तो घर के नीचे एक बड़ा सा गड्ढा खोद देते हैं, एक बड़ा सा गड्ढा ऐसा बीच में जो है वो गड्ढा खोद देते हैं, और गड्ढा उसमें खुदाई करने के बाद क्या होता है, जो भी मल मूत्र है, जो भी वेस्ट वाटर है उस गड्ढे में जो है वो एकत्रित होना होने लगता है। देखो यहाँ पे डायग्राम देखो आप लोग, डायग्राम के हेल्प से आप लोग अच्छे से समझ पाओगे। देखो यहाँ पे यहाँ से आ रहा है सैनिटरी वेस्ट वाटर, जो भी वेस्ट वाटर है, जो भी टॉयलेट वगैरह का जो भी कनेक्शन है वो मान लो इस पाइप से है, जैसे एग्जाम्पल के लिए, है ना। तो यहाँ से क्या आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है। अब ये क्या है, जमीन का तल है, जो पृथ्वी है ना। अब जमीन के तल के नीचे देखो इतना लंबा चौड़ा इतना गहरा क्या किया गया है, गड्ढा किया गया है। ठीक, गड्ढा किया गया है। अब जो भी वेस्ट मटेरियल है, जो भी वेस्ट गंदा पानी है वो क्या होगा, इस गड्ढे में क्या होते जाता है, कलेक्ट होते जाता है। इस गड्ढे में पूरा वेस्ट वाटर जो है वो भरते जाता है। अब इसमें क्या किया जाता है, ये ईंट कंक्रीट से वगैरह जो है वो इसको पूरा तरीके से रेडी किया जाता है। ईंट कंक्रीट वगैरह से इसको क्या किया जाता है, इस सेस पुल को जो है वो बनाया जाता है ना। अब ये जो सेस पुल है उसमें जो है वो काफी सारे छेद भी किए जाते हैं। देखो यहाँ पे ये बीच बीच में जो है वो काफी सारे छेद किए जाते हैं, ये जमीन के अंदर की मैं बात बता रही हूँ ना, काफी सारे छेद किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं छेद, ताकि जो गंदा पानी है वो क्या हो, इस छेद के माध्यम से और जो भी रेत मिट्टी वगैरह है उसमें क्या किया जाए, चला जाए। मतलब इसमें जो भूमि का जो इस तरफ उस तरफ का जो एरिया है वो इसमें से काफी सारे पानी को क्या कर लेते हैं, धीरे धीरे सोखते जाते हैं। तभी तो देखना जो टॉयलेट वगैरह होता है उसमें देखना 5-6 साल 10 साल 20 साल तक जो पानी है वो गड्ढे में क्या होते जाता है, कलेक्ट होते जाता है। अगर हम लोग ऐसा पोर्स नहीं बनाएंगे, अगर जो वेस्ट वाटर है वो इधर उधर अन्य तरफ जो है वो नहीं जाएंगे तो फिर तो पानी तो पूरा भर जाएगा, वो तो एक ही साल में पानी भर जाएगा, है ना। तो इस वजह से यहाँ पे जो है वो छिद्र बनाए जाते हैं ताकि यहाँ से जो भी पानी आ रहा है वो जमीन का जो अन्य रेत वगैरह है वो क्या कर ले, उस पानी को सोख ले।
ठीक। अब पानी तो जो वेस्ट फ्लूड है वो तो सूख जाएगा, लेकिन अब उसमें जो भी ठोस मटेरियल है, जैसे कि ठोस मटेरियल है, उसका क्या होगा? तो जो भी सॉलिड मटेरियल है ना, वो नीचे में क्या होते जाते हैं? कलेक्ट होते जाते हैं। देखो यहाँ पे जो भी सॉलिड मटेरियल होगा, पानी तो इधर उधर बह के कहीं तो जमीन जो है वो सोख लेगा, लेकिन अब वेस्ट वाटर, वेस्ट मटेरियल कहाँ जाएगा? जो भी ठोस पदार्थ है, तो जो ठोस पदार्थ है वो क्या, एक स्लग लेयर के रूप में, देखो यहाँ पे स्लग लेयर के रूप में जो है वो नीचे में क्या होते जाते हैं? इकट्ठा होते जाते हैं। जमीन के भीतर भी ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि जो भी ठोस पदार्थ है उनका अपघटन करने का काम करते हैं, मतलब उनको जो है वो डिस्पोज करने का काम करते हैं, उनको जो है वो अपघटन करते जीवाणु, जिसको हम लोग कहते हैं ठीक अनाक्सी जीवाणु होते हैं, जो कि इस सेस पूल में जो है वो मौजूद होते हैं, और यहाँ पर जो भी सॉलिड मटेरियल आ रहा है उनको खाने का काम करते हैं या फिर उनको डिस्ट्रॉय करने का जो है वो काम करते हैं। लेकिन इतना होने के बाद भी जो ठोस पदार्थ होता है वो जमीन के तल में धीरे धीरे क्या होने लगता है? इकट्ठा होने लगता है, मतलब वो रेत के रूप में धीरे धीरे इकट्ठा होने लगता है, और वो जमीन के नीचे को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लज लेयर बोलते हैं, ठीक। तो जैसे जैसे, खैर ये बहुत साल तक हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय बाद देखना ये जो स्लज लेयर होता है ना वो धीरे 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 भरते जाता है। भाई कभी ना कभी तो ये पूरा भरेगा ही ना, धीरे धीरे क्या होते जाता है? भरते जाता है, भरते जाता है, भरते जाता है। अगर ये जो लेयर है वो पूरा मान लो ऐसा करके भर गया है ना, जो भी सॉलिड मटेरियल है पूरा ये सेसपूल अगर भर गया, तो फिर क्या करते हैं? यहाँ से पाइप वगैरह घुसाते हैं और यहाँ से जो भी गंदगी है उसको क्या करते हैं? पाइप के थ्रू जो है वो बाहर निकालते हैं। फिर जैसे ये पूरा क्लीन हो जाता है, फिर से इसको जो है वो सेसपूल को उपयोग में लिया जाता है। क्लियर हुआ गाइस आपको? तो ये भी काफी अच्छा मेथड है सीवेज ट्रीटमेंट के प्रोसेस के लिए। इसमें क्या होगा, जो भी गंदा पानी है वो जमीन के अंदर जा रहा है ना, जो भी वेस्ट मटेरियल है वो जमीन के अंदर ही जा रहा है, और जो गंदा पानी है उसको हम लोग किसी नदी नाले में नहीं मिला रहे हैं, उसका जमीन के अंदर ही क्या हो जा रहा है? निपटारण उसका हो जा रहा है। तो बहुत सारी जगहों में ऐसा सेसपूल बनाया जाता है, खासकर जैसे कि जो गांव वगैरह एरिया है उसमें जो टॉयलेट वगैरह बनता है ना, उसमें साइड में देखना जमीन में क्या कर देते हैं? गड्ढा खोद देते हैं, और गड्ढे में ही जो भी गंदा पानी, जो भी टॉयलेट वगैरह मलमूत्र है वो उस गड्ढे पानी में ही, गड्ढे जो जमीन के तल में जो गड्ढा के उसी में क्या होने लगता है? एकत्रित होने लगता है, बीच बीच में उसको साफ करवाया जाता है ना। तो ये क्या कहलाता है? सेसपूल कहलाता है, जो कि एक ट्रीटमेंट प्रोसेस के अंतर्गत जो है वो आता है। तो ये समझ गए आप लोग, और डायग्राम भी क्या कर लेना आप लोग बना। अब चले गए सेसपूल, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया। सेकंड नंबर का हम लोग देखते हैं सेप्टिक टैंक। तो जो सेप्टिक टैंक होता है क्या होता है? वो भी अंडरग्राउंड ही होता है ना, जो सेप्टिक टैंक बनाया जाता है ये देखना, अधिकतर जो बड़े शहरों में ऐसा बनाया जाता है सेप्टिक टैंक जो कि अंडरग्राउंड होता है। तो डायग्राम आप लोग ये वाला बना लेना, बेस्ट डायग्राम है ये वाला, कन्वेंशनल सेप्टिक सिस्टम। ठीक, यहां तक क्लियर हुआ? अब देखो शुरू से बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने नोट्स में ना इसका जो भी ट्रीटमेंट प्रोसेस है उसको 5 स्टेप में टोटल लिखा हुआ है, तो 5वें स्टेप को चाहो तो आप नोट्स से डायरेक्ट लिख सकते हो, है ना। बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा डायरेक्टली आप लोगों को बता रही हूँ कैसे होता है। देखो, घर जो आपका घर है उसमें एक पाइपलाइन होता है, मेन लाइन होम फ्रॉम होम, मतलब जो भी घर का जो भी गंदा पानी है, टॉयलेट वाला पानी है, मलमूत्र वाला पानी है, जो भी पानी है गंदा पानी, वो इस पाइप के थ्रू क्या आता है? सेप्टिक टैंक में एंटर करता है। सबसे पहले चीज ये, हर घर से, जितने भी नगर, कोई सिटी में जितने भी घर है सबके घर से पाइपलाइन जुड़ा रहता है। यहाँ पे देखो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, जितने भी घर है ना उनके अंदर ही अंदर, जमीन के अंदर ही अंदर एक मोटा सा पाइप जुड़ा रहता है। तो वो क्या होता है, उस मोटे से पाइप से जो भी गंदा पानी आता है वो सेप्टिक टैंक में आता है, ऐसा सेप्टिक टैंक बनाया जाता है। ठीक, सेप्टिक टैंक में आता है। अभी सेप्टिक टैंक में क्या किया जाता है? फिटकरी मिला दिया जाता है। क्यों मिलाया जाता है फिटकरी? ताकि जो भी गंदा चीज है, जो भी वेस्ट पदार्थ है वो क्या हो जाए? जमीन में बैठ जाए। फिटकरी में देखना, जब किसी हम लोग गंदे पानी में फिटकरी वगैरह मिलाते हैं ना, तो जो भी गंदा मटेरियल होता है, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, वो क्या करता है? जमीन के तल में आकर के बैठ जाता है। तो कहीं ना कहीं जो अब सेप्टिक टैंक में जो हमारा पानी है, जो सीवेज वाटर है, वो कहीं ना कहीं काफी हद तक साफ हो चुका है, क्योंकि जो गंदा वेस्ट मटेरियल है वो क्या हुआ? जमीन के तल में नीचे बैठ गया। ठीक, ये पहला प्रोसेस हुआ। बहुत सारे स्टेप है, वो आप लोग और डिटेल में मेरे नोट्स में देख लेना। अब कहीं कुछ हद तक ये पानी जो है वो क्लीन हो चुका है, अब आगे ये जो सेप्टिक टैंक का पानी है उसको आगे बढ़ाया जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे फिल्टर लगा होता है। फिल्टर क्या करता है? अब जो भी वेस्ट मटेरियल, जो भी वेस्ट पानी आ रहा है, जो भी वेस्ट वाटर आ रहा है, उसको यहाँ पर और फिल्टर किया जाता है। कैसे फिल्टर किया जाता है? इसमें देखना, कई प्रकार के ऐसे बैक्टीरिया मिलाए जाते हैं जो कि इन जो भी इसमें जो भी गंदगी है उसको जो है वो खाने का काम करते हैं, जिनको हम लोग क्या करते हैं? अपघटन करता जीवाणु बोलते हैं, जो कि इनका अपघटन करने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं वैसा वायरस इसमें, बैक्टीरिया वगैरह इसमें, दवाई वगैरह इसमें डाला जाता है। तो अब क्या होगा?
सेकेंड स्टेप में क्या होगा, इसमें जो भी और थोड़ी बहुत बची कुछ गंदगी होगी वो फिर से फिल्टर होकर के जो है वो नीचे बैठ जाता है और उसका अच्छे से प्यूरिफिकेशन हो जाता है। लास्ट में ऐसे दो तीन स्टेप में उसको फिल्टर करते जाते हैं करते जाते हैं और फिर क्या करते हैं, जो पानी है वो काफी हद तक क्लीन हो चुका है। अब जो थोड़ा बहुत क्लीन वाटर है या तो उसको जमीन के अंदर ही बहा दिया जाता है या तो फिर उसको कहीं पर मिला दिया जाता है। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं सेप्टिक टैंक जरूरी है, क्योंकि देखो जो डायरेक्ट वेस्ट मटेरियल है उसको वो डायरेक्ट किसी नदी में नहीं मिला रहा, उसको पहले अच्छे से फिल्टर किया जा रहा है सेप्टिक टैंक के थ्रू, उसके बाद उसको कहीं जो है वो डिस्पोज किया जा रहा है। तो जो भी पांच स्टेप है, इसके अंदर टोटल 5 स्टेजेस आते हैं, जो कि आपको अब क्या करोगे नोट्स में आप लोग देख लेना है ना। मैं एक और बता देती हूँ, देन इसके बाद मैं आप लोगों को नोट्स दे दूंगी जिसके द्वारा आप लोग ये सबको देख सकते हो, ठीक। अब चलेंगे, आई थिंक आप लोगों को आज बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। लास्ट एक टॉपिक है जो कि आपको नोट्स से ही देखना है, उसका नाम है टेस्टिंग ऑफ वाटर, मतलब जल का परीक्षण। जो जल का परीक्षण है वो किस तरीके से किया जाता है देखना। आपके घर में कई बार नगर पालिका के लोग आते हैं जो कि पानी को ले जाकर के उसको टेस्ट करने का काम करते हैं, है ना। तो विभिन्न तरीके से उसको टेस्ट किया जाता है, वो सब आप लोग क्या कर लो नोट्स में लिख लो और उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। तो वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना गाइस, तो इससे क्या है आपको नोट्स क्लियरली दिखाई देंगे। और ये जो नोट्स है उसको बना लेना, क्योंकि मैंने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाया हुआ है, क्योंकि देखो बुक से करोगे ना तो बहुत ज्यादा लिखा होता है तो उतना लिखने का टाइम भी नहीं होता है। और लिखने की प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दो। सो आई होप गाइस आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग माइक्रोबायोलॉजी का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे, तो उसमें भी मैं आप लोगों के लिए कुछ नया टॉपिक लेकर के आऊंगी। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएंगे अदर टॉपिक्स के, तो वो सब आप लोग चेक जरूर करना मेरे चैनल में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।